Morning class for the students. So as we have discussed till page number 70 of chapter 9, changing families. In that previous video, we have discussed that Shirings and Nimi's family. कि कैसे निमी की फैमिली में जो है छोटी बेबी का जन्म होता है, निमी की बेबी सिस्टर आती है. ऐसी शिरिंग की फैमिली में क्या होता है कि उसके फादर का जो है ट्रांसफर होता है और उन्हें अब न्यू सिटी में जाना है. सो इन दिस टुडे We will discuss about नाजली family. नाजली की family में देखिए कैसे यहाँ पे pictures बनी हुई है और एक new bride जो है, एक नई शादीशुदा दुल्हन दिख रही है. So let's see, it's a wedding. अब जो है यहाँ पे wedding है. There is great joy in नाजली's homes today. आज जो है नाजली की घर में जो है बहुत खुशी का दिन है. Her elder cousin brother is getting married, क्योंकि उसके जो है बड़े भाई की जो है उसके कजिन की आज शादी हुई है. लेट अस टॉक, तो चलिए इसको देखते हैं. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? सो आपको क्या लगता है कि इस वेडिंग के बाद जो है नाजली की फैमिली में कोई चेंजेस आएंगे? वॉट विल चेंज, क्या वो चेंज होगा? सो क्या चेंजेस होगा नाजली की फैमिली में? कि उनके घर से अब एक जो है एक मेंबर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो है शादी के बाद अपने हस्बैंड के जो है घर में रहेगी. डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन होम फ्रॉम वेयर अ न्यू ब्राइड हैज कम? और आपको क्या लगता है कि वहां पे कुछ चेंजेस होगा जहां पे एक न्यू ब्राइड जो है, नई दुल्हन जो है जिनके घर में आएगी? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? तो वहां पे क्या चेंजेस होंगे कि वन एक और मेंबर जो है उनके घर में बढ़ जाएगा. तो जैसे यहाँ पे देखिए कि नाजली है और कैसे उसके घर में जो है एक और मेंबर यहाँ पे बढ़ गया है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Talk to your mother and aunt in the family. Ask them about where they lived before they got married. So, अब अपने जो है घर में अपनी aunt से, अपनी mother से बात कीजिए, अपनी family member से, और उनसे पूछिए कि वो लोग जो है marriage से पहले कहाँ रहते थे. Who were the member of their families then? और उनकी families में कौन कौन से members थे? Has anybody in your house, in your family been married recently? Who? और क्या आपकी family में भी किसी की marriage हुई है रिसेंटली? अभी फिलहाल में किसी की शादी हुई है? कौन है वो? टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि वेडिंग में जो है फैमिलीज में क्या होता है, कैसे चेंजेस होते हैं. सो क्या होता है, देखिए, अ न्यू मेंबर केम इन देयर फैमिली, ऑल ऑफ देम एंजॉयड लॉट. तो क्या होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं कि न्यू मेंबर जो है फैमिली में आते हैं और सभी जो है एंजॉय करते हैं. What kind of special food is cooked? किस टाइप का स्पेशल फूड जो है बनते हैं? स्वीट्स, पुलाव, पूड़ी, मेनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स वर कुक्ड. सो यू कैन राइट दिस आंसर हेयर. नाउ वट स्पेशल क्लोथ डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर? किस टाइप के जो है स्पेशल क्लोथ्स जो है ब्राइड ग्रूम और ब्राइडल पहनती है? सो ब्राइड ग्रूम वोर शेरवानी एंड पगड़ी, द ब्राइड वोर लहंगा. सो ब्राइड जो है वो लहंगा पहनती है, गहने पहनती है, और जो ब्राइड ग्रूम है वो शेरवानी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं जो दूल्हा है. वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर प्लेड एट वेडिंग्स? और वेडिंग में जो है किस टाइप के डांस, किस टाइप के जो है सॉन्ग्स बजते हैं? सो ट्रेडिशनल, फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स, इस टाइप के जो है सॉन्ग्स बजाए जाते हैं. नाउ वट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड? किस टाइप की वेडिंग आपने अटेंड की है? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट. सो यू कैन कट दिस क्वेश्चन, नो नीड टू डू, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन कट. नाउ हियर वी सॉ चेंज टेकिंग प्लेस इन फैमिलीज ऑफ निमीज, शिरिंग्स एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन. सो राइट डाउन द रीजन फॉर दीज चेंजेस. सो उन तीनों की फैमिली में किस टाइप के चेंजेस आए और क्यों चेंजेस आए, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. सो सी इन निमीज फैमिली, निमी की फैमिली में क्या होता है, द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू बेबी. वहां पे चेंज क्यों हुआ था, क्योंकि एक न्यू बेबी का जो है वहां पे जन्म हुआ था और निमी की जो है अब बेबी सिस्टर जो है आई थी. इन शिरिंग फैमिली, शिरिंग की फैमिली में क्या होता है, शिरिंग फादर्स गॉट प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर्ड इन अ न्यू टाउन. और शिरिंग की फैमिली में क्या होता है, उसके फादर को प्रमोशन मिला था, इसकी वजह से उनका ट्रांसफर हुआ था नए शहर में. एंड इन नाजलीज फैमिली, नाजली की फैमिली में क्या होता, अ न्यू ब्राइड केम टू नाजलीज फैमिली, शी वॉज
नाजली सिस्टर इन लॉ, और नाजली की फैमिली में क्या हुआ था, उसके कजिन ब्रदर की शादी हुई थी, इसकी वजह से उसकी जो है भाभी आई हुई थी, और नाजली क्या हुई, उनकी सिस्टर इन लॉ। देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, बहुत सारे रीजन्स होते हैं फैमिली में चेंजेस के। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स, क्या आप सोच सकते हैं कुछ और भी रीजन, तो कैसे रीजन्स होते हैं जिनमें फैमिली में कुछ चेंजेस आते हैं। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, जैसे किसी की फैमिली में अगर किसी नए बेबी का जन्म होता है। मैरिज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर में किसी की शादी होती है। ट्रांसफर ऑफ फैमिली मेंबर, या फैमिली मेंबर में किसी का ट्रांसफर होता है। गेटिंग न्यू जॉब, किसी को नई जॉब मिलती है तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। गेटिंग एडमिशन इन अ गुड स्कूल, या किसी नए स्कूल में कॉलेज में जो है किसी चिल्ड्रन का या किसी बच्चे का जो है एडमिशन होता है, तो भी जो है उनकी फैमिलीज में चेंजेस आते हैं। नाउ टॉक टू 3 ओल्ड पीपल फ्रॉम वन फ्रॉम योर फैमिली, वन फ्रॉम योर फ्रेंड फैमिली एंड वन फ्रॉम द फैमिली इन योर नेबरहुड। सो स्टूडेंट्स, यू कैन कट दिस क्वेश्चन, नो नीड टू डू दिस, एंड वी विल डू ओनली दैट मच। You have to do your book work, page number 72 and 73, and rest of the chapter I will tell in my next video. So till then, thank you so much, and complete your all book work of chapter 9.